हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज रोशन शर्मा स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो मिनी असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं और ऑलरेडी आपने टू लेसन फिजिकल साइंस के देखे होंगे आज मैं अपलोड करने वाला हूं थर्ड लेसन और इस लेसन में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनुअल एग्जाम्स या एस के लिए अच्छी तरह आपको पढ़ना है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आपको मिलेगा आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेसन एसिड बेसिस एंड साल्ट इस वाले लेसन से कौन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट सेक्शन में वेरी शॉर्ट के लिए आइडेंटिफाई स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से वीक एसिड कौन से आपको इसके अंदर से पहचानना है नेक्स्ट सेकंड क्या है डज ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस इफ एस आर नो गिवन एग्जाम्पल वाई टूथ डी start स्टार्ट the द पीएच ऑफ is इज लोअर 5.5. फाइव एक हो गया उसी तरह शॉर्ट कौन से रहेंगे देखिए मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क राइट द रीजन फॉर द फॉलोइंग वाई डज ही शिफ्ट द पी एच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम एसिड नेचर टू स्लाइटली अल्कोलाइन वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर उसी तरह कलेक्ट फ्यू सॉल्ट नेम एंड द सुटेबल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल आपको यहां पे करना है इस वाले लेसन से उसके बाद ड्राई नीड डायग्राम शोज एसिड कॉन्टेंट एच प्लस आयन अब लॉन्ग में आपको पढ़ने वाले हाउ डू यू प्रूव दैट एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉट इज मीन्ड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द दॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट आंसर है If the pH values of solution X, Y and Z are 13, 6 and 12 respectively, then which solution is strong acid Y? Which solution contain ions along the molecules of solution? Which solution is a strong base Y? Does the pH value of the solution increase or decrease when a base is added it Y? Next answer is Next answer the following question by using given information. इन्फॉर्मेशन आपको देखना है ये सारा जैसा मिल्क गैस्ट्रिक जूस डिस्टल वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मिल्क ये दे रखा है इसके आंसर लिखना है विच ऑफ द एबो इज नेचुरल सोल्यूशन विच ऑफ द एबोव इज यूज टू न्यूट्रलाइजेशन द एसिडिटी इज द स्टमक विच इज द स्ट्रांग एसिड एमॉन्ग द एबो सोल्यूशन वॉट इज द कलर ऑफ यहाँ पे फेनुल इंडिकेट इन द दोल्यूशन और इसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे मल्टीपल चॉइस द पी एच स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई द रॉबर्ट बॉयल न्यूटन सोरेंस सोरेंसन और पास इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड दी एच इन ए सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर पी एच पेपर स्टैंडर्ड पी एच साल और लिमिटेड पेपर कॉमन साल्ट यूज इन किचन एज वेल एज द रॉ मेटीरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा या स्लैकड लाइन ये आपको इसके अंदर से कौन सा चूज करके आपको, आपको कर लिखना है इफ यू एडेड ए फ्यू ऑफ ड्रॉपिन इंडिकेटर टू एक्वे सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन इट इज टर्न इन टू पिंक रेड ऑरेंज येलो कौन सा होगा आपको चूज करके लिखना है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ओनली सिंथेटिक इंडिकेटर आर यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इंडिकेटर आर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉग बेसिस इंडिकेटर आर वीक एसिड ए वीक बेसिस यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव द सम कलरफुल ऑफ डिफरेंस पीएच सोल्यूशंस पीएच वैल्यूज चूज द करेक्ट आंसर यहाँ से आपको लिखना है यहां पर देखिए प्लास्टर ऑफ पैरिस ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा यहां पर आपको दे रखा है इससे आपको मैच करके लिखना है कुछ इस टाइप का ये लेसन में से इम्पॉर्टेंट है ऑल द बेस्ट मीडियर स्टूडेंट्स